उनके पूर्वजों ने 1959 के तिब्बती विद्रोह के मद्देनजर भारत को पार किया और दिल्ली के मजनू का टीला को अपना घर बनाया। बच्चे, जिनमें से अधिकांश यमुना नदी के इस छोटे से शरणार्थी शिविर में पैदा हुए थे, चीनी द्वारा अत्याचार की कहानियां सुन सुनकर और अपने लंबे समय से खोए हुए देश में एक मायावी जीवन के लिए तरस रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली स्थित मजनू का टीला के बारे में, जिसे मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तिब्बती अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाए हुए हैं। INS की टीम तिब्बती कॉलोनी के उपनगरों में ये पूछने के लिए गई कि वो दोनों परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच हाल ही में हुए हिंसक हमलों को लेकर क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है। तो आइए जानते हैं कि वहां के लोगों की क्या राय है। हम 1959 में इन्वेट किया था तिब्बत का, तो हम इंडिया में, भारत में क्या बोले, हम भारत आया तो भारत ने बहुत हेल्प किया, नेहरू जी ने भी हेल्प किया था हमें। तो चाइना ने लगभग 1 मिलियन हमारा आदमी को मार दिया, क्योंकि हमारा वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि जितना प्रोटेस्ट करेगा ना उनको ना टॉर्चर करता है उनके लिए, जितना टॉर्चर के लिए ना उनके लिए अलग अलग वेपन्स होता है, इतना हमें बोल भी नहीं सकता, इतना ख़राब वेपन्स है। लड़की के लिए तो अलग है, लड़का के लिए अलग है। और लामा लोग को मार दिया, अभी 1 मिलियन इतना तो मार दिया। तो हम भी अभी रिफ्यूजी में बैठा है, तो इंडिया बहुत मेहरबानी है, कसम से। अब जब चाइना से बोल रहा हूँ, अब जब चाइना इंडिया पे वॉर कर रहा है तो उसको आप किस कैसे देखते हैं? जी, हम फुल इंडिया के साथ है, तो हमें जो चाइना का प्रोडक्ट है, जो वीवो ओप्पो ये सब ज़्यादातर यहाँ लेता है, तो वो नहीं लेना चाहिए था। तो इनका इकोनॉमी डाउन करने से मेन एक मुद्दा होता है, क्योंकि हम लोग पीसफुल है, हम लोग तो लड़ाई झगड़ा में नहीं है। हम ये सारा इंडिया का अपना ही है, तो चीन से तो बात करने का सवाल ही बनता नहीं है, पैदा नहीं होता है कि बॉर्डर कैसे बॉर्डर बात करेंगे। तो आप तो इसको किस नजरिए से देखते हैं, जो इस समय लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं? गलत है, ठोकना चाहिए, हम तो कहते हैं ठोकना चाहिए उनको। हाँ, ये किसी बातचीत का कोई समाधान नहीं है, बातचीत से कोई समाधान नहीं है, इनको तो ठोकना चाहिए। बाकी ये आज तक देखो चीन ने कितना देश को अंडर कर रखा है, कोई किसी से बात हल हो रहा है नहीं हो रहा अभी तक, अत्याचार हो रहा है, सिर्फ जुर्म हो रहा है। वहीं शरणार्थी कॉलोनी के केंद्र में तिब्बती मंदिर के पास एक गैर तिब्बती लेकिन क्षेत्र का निवासी बालकृष्ण, जिसका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। कड़ा कदम उठाना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए, तो यदि हमारे देश का भविष्य है इसके, यदि इस पर कोई शासन करता है तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि हमारा देश को पहले से एक वो है, और तो इसके ऊपर यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए भी उनको करना चाहिए। चाइना से ना थोड़ा बातचीत करनी चाहिए, अगर बातचीत नहीं माना तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि काफ़ी समय पहले चाइना ने तिब्बत पर वॉर किया था और हथियार लिया था, अब वो सारे तिब्बतन भारत में हैं और अब वो भारत पर हमला कर रहा है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? उसके लिए तो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी ना भाई, वैसे आप चाइना लोगों ने वो कर रखा करोना की, उसमें काफ़ी वो भी हो रहा है, परेशान हो रहा है, हमें तो नहीं है खाली तिब्बत को, नहीं है खाली इंडिया को, यहाँ परेशान हो रहा है, हर जगह परेशान हो रहा है। फिलहाल गलवान की घुमावदार घाटी से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली के मिनी तिब्बत कहे जाने वाले मजनू का टीला के लोगों की राय इस ओर इशारा करती है कि भारत इन लोगों के दिलों में बसता है।